मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एसिडिटी की समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसको आयुर्वेद की सहायता से कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए क्या है कि जो ये अम्लपित्त है या फिर इसे कहते हैं एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, ये सब कुछ ना अलग अलग नाम है। पेशेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत एसिड बनता है या बहुत एसिडिटी रहती है या गले में जलन रहती है, पेट में दर्द रहता है, खाना सही से पचता नहीं है, पेट फूलता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब कुछ एक आयुर्वेद में टर्म होता है अम्लपित्त, उसके अंतर्गत आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि देखिए क्या है, अम्लपित्त जो है या जो हाइपर एसिडिटी है या फिर जो खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ये क्यों आती हैं? आप अपना रूटीन देखिए, आपकी डेली रूटीन लाइफ क्या है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि आप रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती है, उनको इस समस्या बहुत ज़्यादा होती है कि वो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, जो कॉल सेंटर पे काम करते हैं या फिर जो लोग गार्ड होते हैं, वॉचमैन होते हैं, इनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन है उनको एसिडिटी होना, खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द होना, गले में जलन होना, सीने में जलन होना, ये जो समस्या है, खाना नहीं पचना, ये समस्या उनको आती है जो रात में जागते हैं। उनका काम है रात में जागना या फिर उनकी ड्यूटी है रात में जागने की, तो ऐसे लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये है, जो लोग बहुत ज़्यादा ना गरम मसाला वगैरह खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, जैसे तला भुना खाते हैं, छोले भटूरे हैं, गोलगप्पे हैं, ये जो चीज़ें जो लोग करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बहुत लाल मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, तो ये जो समस्या है ये उन लोगों को होती है। तीसरा ये है, जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय जैसे खाली पेट है चाय पी रहे हैं, उनको ये समस्या होती है। दिन में 4 चाय, 6 चाय, दिन भर चाय पीना, खाना नहीं खाना और चाय पीना, जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। चाय एक्चुअली काइंड ऑफ जहर है जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है उनके लिए। तो एक कारण हो गया चाय, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है कि जो लोग बहुत भूखे रहते हैं, जिनका इरेगुलर मील पैटर्न है, जो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, या फिर देखिए दो कारण होते हैं डाइट का जो रहता है ना इरेगुलर मील पैटर्न के, एक तो ये है कि आपका टाइम टेबल गड़बड़ है, या फिर ये है कि आप ना वेट कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो आपको लगता है आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप भूखे रह लो, आप फास्टिंग करते हो, आप डाइटिंग करते हो, तो जब आप वेट कंट्रोल करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा वेट मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैंने डाइटिंग स्टार्ट की लेकिन मुझे क्या हुआ, पेट में दर्द एकदम हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, मेरे पेट में बहुत दर्द था, तो उनको क्या हो गए, अल्सर हो गए। क्या हुआ कि उन्होंने वेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि डाइटिंग की, उन्होंने खाना नहीं खाया। देखिए वेट कंट्रोल करने के लिए ना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं कि आपको ओबिसिटी में खाना तो खाना पड़ेगा लेकिन किस टाइप का खाना खाना है, आप इस मील को स्किप नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया कि आपने खाना खाया, आपने आप जब आप वेट कंट्रोल कर रहे हो तो उसके लिए देखिए क्या है, आप वेट आप वर्कआउट करो, आप लेखनीय खाना खाओ, रूक्ष खाना खाओ, ऑयली खाना नहीं खाओ, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप खाना ही छोड़ दो। तो जो लोग ये होते हैं ना कि जो वेट कंट्रोल बहुत करते हैं, डाइटिंग करते हैं ना, उनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है, कि जो डाइटिंग करते हैं उनको होता ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। आपकी बॉडी को तो नीड है ना खाने की, आप बहुत ओबेज हो, आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है और आप उसको फूड नहीं दे रहे हो, तो फूड क्या करेगा कि वो आपकी ही बॉडी को जलाने लगेगा, आपकी धातुओं को, जो अग्नि है जो आपकी धातुओं का ही पाचन करने लगेगी। इसलिए ओबेज जो पेशेंट है ना उनको पेप्टिक अल्सर की दिक्कत बहुत रहती है, वो भी तभी स्टार्ट होती है जब वो जिम ज्वाइन करते हैं या वो वेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उसमें वो अपनी मील स्किप कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, बस पानी पी लेंगे या चाय पी लेंगे या हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या है कि इस वजह से क्या होता है कि वो उनको जो है ये
एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। एक और कारण होता है कि जो हाउस होल्ड फीमेल होती है ना, इनका इनको बहुत ज़्यादा समस्या मिलती है, पेट में दर्द होता है। मेरे पास आते हैं कि मैम मेरे पेट में दर्द होता है। जब मैं उनका डाइटरी पैटर्न पूछती हूँ ना, तो वो ये बताते हैं कि हम 12 या 1 बजे सीधा खाना खाते हैं। तो देखिए दो चीज़ें, एक तो क्या है कि उनको क्या है कि भाई घर में हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और हम बिना नहाए धोए पूजा किए खाना नहीं खाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीती हैं, सिर्फ चाय पीती हैं, उसके साथ कुछ खाती नहीं है, मतलब एम्प्टी स्टमक सिर्फ चाय लेना है, खाली खाली चाय लेना है। तो चाय तो वैसे ही एसिडिटी कर रही है। दूसरा ये कि उन्होंने रात में 7 या 8 बजे खाना खाया हुआ है, रात के 12 घंटे हो गए सुबह के 8 बजे तक, फिर आप खा रहे हो, तो ब्रेकफास्ट उन्होंने स्किप किया, वो डायरेक्ट लंच कर रही है। तो क्या है कि फिर वही है कि एसिड निकलेगा, उसका तो काम है, वो टाइम टाइम पर निकलता है, आपकी बॉडी को नीड होती है भूखी, आपने उसको फूड नहीं दिया, तो उसने एसिड ने क्या किया, आपकी जो स्टमक की जो अलग म्यूकोसा है ना, उसको जलाने लगता है। तो ये जो पैटर्न है, ये हाउस होल्ड फीमेल को बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है, वर्किंग को तो थोड़ा सा नहीं मिलता है, क्योंकि उनका एक पैटर्न होता है कि उनको ब्रेकफास्ट करना है, फिर ऑफिस जाना है, वहाँ पर भी लंच करना है, उनका नहीं होता। लेकिन हाउस होल्ड फीमेल का बहुत होता है कि हम तो पूजा करके ही खाते हैं, हम इससे पहले खाना नहीं खाते। तो ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट आपको स्किप नहीं करना होता है। मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि आप एक पराठा खा लो सिंपल, सुबह उठ के आप चाहे सिंपल एक पराठा खाओ, नहा धो के पूजा कर लो, फिर और कुछ काम करो, अगर आप पूजा करके बिना नहीं खाते हो। लेकिन आपको अगर इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ पाना है, आपको छुटकारा पाना है, तो आपको ब्रेकफास्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा जो होता है ना, आप उस एक हो गया कि भाई आपने रात में खाना खाया, फिर आपने बहुत टाइम तक खाना नहीं किया, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो 12 घंटे से ऊपर हो गए, तो एसिड तो निकलेगा, और वो क्या करेगा कि आपकी जो स्टमक म्यूकोजा है, सेल है, म्यूकोजा है आपके स्टमक की, उसको जलाने लगेगा। एक ये चीज़ होती है कि भाई हाउस होल्ड फीमेल जो है वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। फिर ये होता है, एक और चीज़ होती है कि आप ना स्ट्रेस बहुत लेते हैं, आपका स्ट्रेस वाला स्ट्रेस जो होता है उससे भी एसिड बहुत बनता है। आपका स्ट्रेस हो गया, आपकी किसी से लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, आपको ऑफिस का स्ट्रेस है, आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, आप एग्ज़ाम देने जाओ, कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे पहले आप देखिए आपको उल्टी सी लगती है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये भी जो है ये भी एसिडिटी करता है, स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा कारण होता है एसिडिटी करने का, आपको एसिड बनाने का बहुत बड़ा कारण होता है। फिर एक कारण होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, इनसफिशियंट स्लीप है आपकी, आपकी नींद पूरी किसी कारण से नहीं हो रही, आपको ऑफिस का वर्क है, या आप सिंपल फोन चला रहे हो, रात लेट नाइट आप स्टडी कर रहे हो, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपने रात्रि जागरण किया, आप रात में जागते हो बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये एक ही कारण होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आपको कभी किसी चीज़ का दर्द हुआ तो आप ना पेन किलर ले लेते हो, कोई भी दर्द की दवाई आप ले लेते हो, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, या कहीं का भी दर्द है, तो जितने भी एनएसएड्स होते हैं ना, जो पेन किलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एसिडिटी करते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है कि वो एसिडिटी करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हो, उसकी वजह से भी क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होता है, आपका अगर आपका पेट साफ नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर जैसे हुआ कि आपने वेग धारण किया, आपको स्टूल की आ जाए, स्टूल पास करने की आ जाए, लेकिन किसी वजह से आपने पास नहीं किया, आपने उसको होल्ड कर लिया, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, वेग धारण आपने किया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आएगी। आपने पेट, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, आप ऐसा खाना खा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जिस वजह से आपका स्टूल जो मोशन है वो क्लियर नहीं हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तब भी आपको पेट फूला फूला लगेगा, खट्टी डकारें आएंगी, पेट में जलन होगी, तो ये क्या करेगा, और आपको भूख नहीं लगेगी, तो ये जो चीज़ें होंगी ये भी क्या करेंगी, आपको एसिडिटी की समस्या उत्पन्न करेंगी। अब अगर आपको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आपको ना पेट फूला फूला रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाना भी नहीं खाओगे फिर भी आपको भूख का एहसास नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको लगेगा बस मेरा पेट भरा भरा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ गले में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एपी गैस्ट्रिक रीजन कहते हैं ये वाला, ये यहाँ पर दर्द रहता है, हल्का 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 दर्द रहेगा, पेशेंट से आप पूछेंगे ना, या कुछ बताएगा कि आप हाथ रखोगे तो यहाँ दर्द रहता है, दर्द, तो ये पी गैस्ट्रिक रीजन में पेन रहता है। तो ये जो चीजें हैं, और आपका पेट साफ नहीं होगा, ये जो सारे लक्षण हैं ये हैं एसिडिटी के, हाइपर एसिडिटी के, या अम्ल पित्त के। अब आयुर्वेद की मदद से इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, देखिए क्या है कि आप
आपको जो मैंने कारण बताए, अगर आपने वो जो कारण है उनको हटा दिया तो कैसे ठीक करेंगे आप? सबसे पहले तो क्या है कि आपका जो एसिडिटी जो हो रही है उसमें क्या है कि आप क्या करना है कि आपको, जैसे आपकी को रात में आप जाग रहे हो तो आपको सबसे पहले तो रात में जागना बंद करना है, आपको टाइम पर 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाना है। फिर क्या करना है आपको, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मेडिटेशन लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपको मेडिटेशन करना है। तीसरा ये है कि गरम मसाला है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, लहसुन की चटनी खाते हैं जो वो भी करती है, तो आपको, और रेड लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनती है ना, वो अगर आप खा रहे हो तो वो आपको बंद करना है। गरम मसाले आपको पूरी तरह बंद करने हैं, और आपको चाय बंद करनी है। आप खाली पेट चाय लेते होगा, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि औरतें जो है वो सब सुबह सिर्फ चाय लेती थी, कई बार तो कहते हैं हम बहुत अच्छे से ग्लास भर के चाय लेते हैं। आप अगर बहुत चाय पीते हो तो आपको चाय, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको चाय तो बंद करनी ही है, अदरवाइज आप कितना भी मेडिसिन ले लो आपका ठीक नहीं होगा। तो आपको चाय बंद करनी है, चाय आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में चाय लेते हो वो भी आपको बंद करनी है। आप डाइटिंग कर रहे हो तो डाइटिंग में आप स्प्राउट्स वगैरह लो, आप मील स्किप मत करो। आप अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो उसकी भी एक डाइट पैटर्न होता है, वो आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको अपनी मील जो है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो आपका लंच है, जो आपका डिनर है, वो आपको स्किप नहीं करना है, आपको खाना है। बस ये कि आपको रूक्ष और लेखनीय आहार खाना है जो आपको ओबेसिटी ना दे। ऑयली नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, लेकिन आपको फूड तो खाना है। आप भूखे नहीं रह सकते, आपको फास्टिंग नहीं करनी है। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको भूखा नहीं रहना, और आप ब्रेकफास्ट स्पेशली आप मिस कर ही नहीं सकते। आपको कुछ नहीं तो एक पूरी, एक पराठा, एक रोटी, सैंडविच, कुछ स्प्राउट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खाना है। और आपको जो स्पाइसी फूड मैंने आपको बताया वो आपको खाना ही नहीं है। और आपको क्या करना है कि आपको मूंग की या मसूर की दाल डाइट में लेनी है। आपको पेठा जो होता है ना, पेठा पेठा आपको डाइट में लेना है। पेठा, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में पेठा ले सकते हैं। परवल, परवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एसिडिटी के लिए। करेला है, कद्दू है, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। गिलोय सरस, गिलोय का रस जो है वो आप ले सकते हैं, आंवले का रस आप ले सकते हैं। धनिया जो होती है ना, अगर आपको बहुत एसिडिटी हो रही है तो धनिया जो होती है ना, धनिया का पाउडर जो होता है, धनिया का पाउडर जो होता है, बीज जो होते हैं उनका पाउडर जो हम मसालों में घर में यूज़ करते हैं, उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया घोलकर आप पी सकते हो। और सौंफ जो होती है ना, सौंफ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत एसिडिटी हो रही है तो आप सौंफ खा सकते हो, और आप खजूर खा सकते हो, खजूर होता है, मुनक्का खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर है, मुनक्का है, ये खा सकते हो। आप खस का शरबत पी सकते हो, खस का शरबत आता है मार्केट में, आप वो पी सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है एसिडिटी में। एक ये चीज़ें तो हैं ही हैं जो मैं आपको रूटीन का बताती हूँ कि भाई आप घरेलू उपाय से आप अपनी एसिडिटी ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पंचकर्मा सेंटर, मेरा आयुर्वेदिक गर्ग आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर है, वहाँ पर आकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो आपकी समस्या है हाइपर एसिडिटी की, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। साथ में जो आप पैटर्न है इन्हें यूज़ करिए, साथ में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे अगर, तो उसके बाद आपकी जो जो भी समस्या है एसिडिटी की है वो ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच।